संस्थाओं के सभी कार्यकर्ताओं को, डॉक्टरों को हृदय की गहराइयों से मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई और आप सबके ऊपर गर्व की भी अनुभूति हुई। मैं लगभग 45 वर्ष पहले मेडिकल कॉलेज में गया था और तब से अब तक लगभग स्वास्थ्य के क्षेत्र से तो किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा, लेकिन मुझको बड़ा आश्चर्य है कि ये जो नेत्र कुंभ हुआ इसके साथ मेरे को किसी ने जोड़ा ही नहीं किसी भी रूप में। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्री तो ज़रूर था उस दौरान, लेकिन शायद अगर आप मुझे कहते, और मुझे ये भी आश्चर्य हो रहा है कि मैं कुंभ में भी गया तो भी मुझको इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। कुंभ में गया था पर्यावरण मंत्री के रूप में अपने ग्रीन गुड डीड्स के लिए, लेकिन बहुत मुझे आनंद की अनुभूति हुई। मैं जब आया तो मैंने वो सारा एग्जीबिशन को देखा और एग्जीबिशन को देखने के बाद जो कुछ समझ में आया, जो कुछ आपने किया, उसकी जो मेरे मन में तस्वीर उतरी, और फिर जो यहाँ पर इस कंक्लूडिंग सेशन से पहले जो विचार व्यक्त किए गए बहुत सीनियर हमारे डॉक्टर कोलीग्स के द्वारा, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बेहतरीन योगदान किया, तो मेरे मन में इतनी देर में जो भी विचार पैदा हुए बस सिर्फ उतने ही मैं शेयर करूंगा। कुछ चीज़ें मुझे स्मरण हुई और कुछ जो मेरे मन में भविष्य के लिए, खासकर इस स्वास्थ्य मंत्रालय में आने के बारे में जो कुछ बातें पिछले कुछ दिनों से पैदा हो रही हैं, उन सबको जोड़कर आपसे थोड़ी अपील करूंगा। सब कुछ देखने के बाद, मैंने यहाँ सुनने के बाद किसी को बुलाकर पूछा कि ये जो कार्यक्रम है इस का जो ओरिजिनल मन में विचार किसके पैदा हुआ सबसे पहले, तो मुझे बताया गया कि माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के मन में ये विचार पैदा हुआ। तो जब किसी भी कारण से कोई विचार पैदा हो जाए तो उस विचार को कितनी जल्दी, वो कितना बड़ा हो सकता है, ये उसका एक शायद बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। तो बैठे ही बैठे मुझे भी याद आया कि 20 दिसंबर 1993 को मुझे जब दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री बने केवल 17 दिन हुए थे और एक मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में, जो उनका ओल्ड बॉयज़ का फंक्शन होता है, उसमें गया और मैं इसी प्रकार से मंच से भाषण दे रहा था, तो किसी ने मुझे एक स्लिप भेजी कि हम आपको कार्यक्रम के बाद मिलना चाहते हैं। अब वो भी कुछ हमारे डॉक्टर लोग थे और ख़ासकर वो पीडियाट्रिशियंस थे, तो मैंने ओके करके वो स्लिप वापस भेज दी। और उसके बाद जैसे ही भाषण ख़त्म हुआ उन्होंने मुझे पकड़ लिया, नीचे मैं गया तो मैंने कहा बताइए क्या बात है, कहने लगे यहाँ पर नहीं करेंगे, कोने में करेंगे। वो मैदान था मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का, तो वो मुझे कोने में पकड़ के ले गए। उनका, डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला है, आपको पता है कि भारत में पोलियो के ग्रस्त जो बच्चे हैं, पोलियो ग्रस्त बच्चे, उनकी संख्या दुनिया के बच्चों में 60% है। मैंने कहा सॉरी यार, ये स्टैटिस्टिक्स तो मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये पता है कि ये जो
भारत में जितने भी बच्चे पोलियोग्रस्त हैं इस समय, उनके 10% केवल दिल्ली के अंदर हैं। मैंने कहा मुझे ये भी नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि आप जहाँ से इलेक्शन लड़ के आए हो, जमुना पार से, आपको ये पता है कि ये जो जमुना पार है, यहाँ पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा जो पोलियोग्रस्त बच्चे हैं वो ट्रांस जमुना एरिया में है। मैंने कहा सॉरी, मुझे ये भी नहीं पता। फिर कहने लगे, आपको ये पता है कि अगर हम स्ट्रैटेजी का एक इस्तेमाल करें तो पोलियो जैसी बीमारी को भी जड़ से हम समाप्त कर सकते हैं, जैसे कि हमने चेचक को समाप्त किया। मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष पहले बन गया था, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट बनने की प्रथा होती है। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रेसिडेंट के रूप में टेक ओवर करता, तो मुझे आदेश मिला तो मेरे को चुनाव लड़ना पड़ गया और मैं उसके पहले में स्वास्थ्य मंत्री बन गया। और जब मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना था, तो मैं अपने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में जो कुछ करना उसकी जब योजना करता था, उसमें वैक्सीनेशन भी एक होता था और ये सब कैंप्स भी होते थे और पोलियो वैक्सीनेशन भी। लेकिन दैट वाज डेफिनेटली नॉट विद एन आइडिया कि पोलियो को इरेडिकेट किया जा सकता है। इसको इरेडिकेट किया जा सकता है, इसकी पहली जानकारी मुझे उन डॉक्टरों ने उस 20 तारीख की शाम को 8-9 बजे के करीब, आज से 25-26 साल पहले दी। जब उन्होंने ये कहा कि, तब उन्होंने फिर मुझे कहा कि हम पिछले 5 साल से सारे हिंदुस्तान में हर आदमी के पास गए हैं, बड़ी सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रियों के पास गए हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के पास गए हैं, और 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये संकल्प किया कि भारत से पोलियो को, दुनिया से पोलियो को 2000 तक जड़ से समाप्त करने का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में प्लेज लिया हुआ है संसार ने। लेकिन भारत में जिसके पास भी जाते हैं, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, हमारी बात कोई सुनता नहीं है। बट दैट वॉज द ब्रीफ कन्वर्सेशन। उसके बाद मैं रात को घर गया और 20 तारीख की रात को मैं सारी रात इसके बारे में सोचता रहा। और सोचते सोचते मुझे ये पता नहीं कि भगवान की कृपा से उस 20 दिसंबर 1993 की उस रात में कब मेरे मन में ये विचार आया कि इसके लिए जो कुछ संभव है वो करना चाहिए, लेट अस ट्राई। तो 21 तारीख को हमने सबसे पहले दफ्तर जाके विश्व स्वास्थ्य संगठन के रीजनल ऑफिस को एक चिट्ठी लिखी। हमने कहा कि पोलियो के बारे में संसार में जो कुछ भी हुआ है, पोलियो की वैक्सीन की डिस्कवरी से लेकर और आज तक, वो सारे मुझे पेपर्स भिजवाइए। तो इतने सारे उन्होंने कागज़ मुझे भिजवाए जिनको पढ़ने के अंदर करीब 10 दिन लगे। और उसके बाद ये ध्यान में आया कि पोलियो को वास्तव में इरेडिकेट भी किया जा सकता है और दुनिया के 116 देश ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं, पूरे पैन अमेरिकन देश कर चुके हैं, ब्राज़ील जैसा बड़ा देश कर चुका है, क्यूबा में तो तभी तक उसमें क्यूबा ने तो मिलिट्री की सहायता से उसको काम को किया। तो सीधे सीधे ये बात ध्यान में आई कि अगर ब्राज़ील जैसा बड़ा देश कर सकता है और दुनिया के 100 से ज़्यादा देश उस काम को कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता। और उसी में से हम लोगों ने एक 4 लोगों का एक छोटा सा एक कोर ग्रुप बनाया था जहाँ से बात शुरू की थी। और जब हम लोग उसके बारे में बात करने के लिए लोगों के पास जाते थे, तो सब लोग हमारा को शुरू शुरू में मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी इतनी कठिन थी कि वायरस को इरेडिकेट करने के लिए आपको हर इंटेस्टाइन के अंदर जो वाइल्ड पोलियो वायरस है उसको रिप्लेस करना है वैक्सीन के वायरस से। इसलिए एक समय में एक साथ जो है संसार के या भारत के पूरे बच्चों को, या उस समय दिल्ली का विषय था तो दिल्ली के सारे बच्चों को एक साथ वैक्सीन देनी है। तो एक साथ सारे बच्चों को, छोटे बच्चों को ये वैक्सीन कैसे दी जा सकती है? तो जिसके पास भी जाते थे तो वो कहता था ये असंभव है। लेकिन हम हर जगह यही बात कहते थे कि अगर बैलेट पेपर आप हिंदुस्तान में बांट सकते हो हर आदमी को, तो व्यवस्था क्रिएट करके -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप वैक्सीन क्यों नहीं दे सकते। और उसके बाद की कहानी बहुत लंबी है और
हम सब जानते हैं कि सारे देश ने मिलकर काम किया, और ख़ासकर जब पहले साल में जब काम किया तो हमारे डॉक्टरों ने और हमारे सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने, सब ने मिल के बहुत कुछ किया, वो लंबी स्टोरी है। लेकिन अभी जो मैं इस बात को इसलिए रेफर किया कि कहीं पे भी कोई एक मन में विचार आ जाए भगवान की कृपा से, जैसे डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने एक विषय को अपने मन में, उनके विचार आया और उन्हें हम सबके बीच में रखा, और उसके ऊपर फिर सारे देश ने मिल के ये कितना बड़ा जो अर्धकुंभ का कार्यक्रम किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को और इस तरह के मिलते जुलते बहुत सारे कामों को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र के बारे में इतना तो मुझे पक्की तरह से विश्वास है कि इसमें 80-90% जो है वो प्रिवेंशन है, पॉजिटिव हेल्थ है, पॉजिटिव हेल्थ का मूवमेंट डेवलप करके है, और प्रमोशन ऑफ हेल्थ है। बाकी दवा दे के ठीक करना बीमार होने पे वो 10-20% से ज़्यादा नहीं है। और इसलिए इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, इसको केवल अगले हरिद्वार के अर्धकुंभ या उस तक इंतज़ार ना करके, इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के अनेकों कार्यक्रम, उनको हमें देश के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज करके इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन की ही एक बड़ी प्रक्रिया और आंदोलन जो है शुरू करना चाहिए। और आप में से कोई भी आज जब इस कार्यक्रम में से वापस जाए तो अपने मन में कोई नया सपना आप लेकर जा सकते हैं। मैंने अपने सपने का उदाहरण इसलिए दिया कि काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी कठिन हो, लेकिन अगर भगवान की कृपा से सपना देखने का आपको मौका मिल जाए या आइडिया आपको आ जाए, तो उस आइडिया पे जब आप काम करना शुरू करते हैं तो फिर सारा देश और सारा समाज और वो सब लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये भी उसी का एक उदाहरण है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी जो एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, उसके बारे में आप सब सुनते हैं कि वो आयुष्मान भारत है। उसका एक पक्ष है आयुष्मान भारत का कि हर एक व्यक्ति जो शायद विपन्न है, कमज़ोर है, बीमार होने पर उसको जो है इलाज की सुविधा नहीं मिल सकती है, या विशेषकर बड़ी बीमारी होने पर तो वो उसको ठीक प्रकार से इलाज नहीं हो सकता है, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को जो है 5 लाख रुपए तक की जो है, और ख़ासकर जो विशेष कमज़ोर लोग हैं उनके लिए, और उसको आगे बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपेंड करने का काम है। लेकिन उसी के साथ जो उसका दूसरा कंपोनेंट है जिसकी मैं यहाँ आज चर्चा करना चाहता हूँ, और जो मुझे लगता है कि आपके जैसे जो मोटिवेटेड यहाँ पर लोग हैं और विशेषकर जो डॉक्टर्स हैं, आपके जैसे मोटिवेटेड डॉक्टर्स देश के अगर उसको अपने सपने के रूप में ले लें काम को, तो फिर जो वास्तव में हेल्थ फॉर ऑल है और देश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का जो बड़ा जिम्मेदारी समाज की है, उस काम को हम कर सकते हैं। उसका जो दूसरा कंसेप्ट है वो है कि देश में लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रिएट करने हैं, यानी जो अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि साधारण एक छोटी छोटी बीमारी के लिए दवाई देने का एक केंद्र जैसा है, वो भी शायद पूरी तरह से सक्षम नहीं है, उसको ऐसे हेल्थ सेंटर्स को या और भी नए हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में परिवर्तित करना, जहाँ कि उस स्थान से जो हेल्थ का एक पॉजिटिव हेल्थ का जो कंसेप्ट है और जो पॉजिटिव एक सोशल मूवमेंट हेल्थ का जो क्रिएट हो सकता है, उसकी एनर्जी वहाँ से चारों तरफ के इलाके में प्रतिपादित हो। अभी मैंने जब इस विषय पे 10 दिन पहले अपने विभाग में इसका फॉलोअप करना शुरू किया, तो मैंने अपने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी को कहा कि जो कुछ हम सरकारी तरीके से करेंगे वो तो करें, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है कि जो सरकारी तरीके से या कोई पैसा या इंसेंटिव दे के काम होता है, उससे भी ज़्यादा जो सफलता मिलने की संभावना होती है वो मोटिवेशन से होती है और एक सेल्फ इंस्पिरेशन के काम से होती है। इसलिए हमने उनको कहा कि
एक प्लान ऐसा डेवलप करिए कि जिसमें ये देश के जो 1.5 लाख अभी तो 18,000 क्रिएट हुए, लेकिन अगले न्यू इंडिया के अंदर जो प्रधानमंत्री जी के सपनों का नया भारत है, ये 1.5 लाख क्रिएट होने हैं। तो इसमें हम देश में ऐसे एक मोटिवेटेड डॉक्टर्स की फौज खड़ी करें जो व्यवस्था में से ही होंगे, वो प्राइवेट सेक्टर से भी होंगे, कहीं से भी होंगे, बेसिक उनका है कि वो डॉक्टर होंगे, जो कि इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के इर्द गिर्द कोई एक के ऊपर हम एक खड़ा कर सकते हैं, 5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे एक आदमी खड़ा कर सकते हैं, जो कि वास्तव में इनको जो कुछ हम चाहते हैं इनसे डिलीवरी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव हेल्थ की, उस डिलीवरी को मॉनिटर करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको एक प्रकार से हेल्प करने के लिए, और वो एक सरकार और उस सिस्टम के बीच में, वो वहाँ का डॉक्टर भी हो सकता है, उस इलाके का भी, उस पे काम करने वाला भी हो सकता है, बट उसका एक ही उसकी और उसको सरकार जो है उस डॉक्टर को इंस्टीट्यूशनलाइज करके और उसको जो समाज के अंदर, जैसे यहाँ पर भी जो है ऐसे जो लोग जिन्होंने अच्छा काम किया उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करके एक विशेष किस्म का उनको सम्मान दिया गया, उनको एक अनुभूति है कि दे आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम वॉट एवर इज़ देयर रूटीन ड्यूटी, उससे ज़्यादा जो है अच्छा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये बड़ा हमें देश के अंदर हेल्थ को, क्योंकि अभी बड़े कई सारे बड़े टारगेट्स हैं जिनको कि 2025 तक टीबी को जो है पूरी तरह से समाप्त करने का, एक प्रकार से भारत ने दुनिया का लक्ष्य 2030 का, भारत ने बड़ा एक एम्बिशियस सपना 2025 तक उस काम को करने का है। काला आजार जैसी बीमारी, लेप्रोसी जैसी बीमारी, मीजल्स जैसी बीमारी जो अगले 1-2-3 साल के अंदर हम एकदम जैसे समाप्त कर सकते हैं, जो डेफिनेशन के हिसाब से जिसको समाप्त करना कहते हैं वो सब हम कर सकते हैं, और बहुत सारे जो हेल्थ के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो कवरेज का जो प्रोग्राम है, जिसमें अभी भी आज़ादी के 70 साल के बाद भी जो हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वैक्सीन उपलब्ध है, महंगी से महंगी वैक्सीन हर बच्चे के लिए निशुल्क उपलब्ध है, लेकिन अभी भी जो है एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज बच्चों की ऐसी है जिनको वो वैक्सीन हम दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि शायद नॉलेज का अभाव है, या सिस्टम की कमी है, या मोटिवेशन की कमी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास यहाँ बड़े हमें सौभाग्य की बात है कि माननीय कृष्ण गोपाल जी जैसे विचारक और विजनरी हमारे पास अपने विचार परिवार में लीडर है, जो देश के हमारे डॉक्टरों को, क्योंकि जब हम लोगों ने पोलियो किया था तो दिल्ली में भी हमने सबसे पहले इस बात को गली गली में पहुंचाने के लिए दिल्ली की 70 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए 70 डॉक्टरों को हम लोगों ने चुना, और लोग कहते थे ये डॉक्टर गली गली मोहल्ले मोहल्ले कैसे घूम रहे हैं, उन 70 डॉक्टरों को मोटिवेट करके वो ऐसा ऐसा काम करते थे जो शायद रूटीन के अंदर जो है डॉक्टरों का काम नहीं होता था। तो वही काम हम समझते हैं कि वैसा ही एक बहुत बड़ी मोटिवेटेड फोर्स अगर देश में खड़ी हो जाए और अपनी अपनी योग्यता, मोटिवेशन और क्षमता के हिसाब से इस भविष्य के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं इनको पूरे दूर दराज तक हम, तो फिर इस तरह के जो चाहे वो चश्मा देने की बात हो, चाहे कैटरेक्ट का मरीज़ ढूंढने की बात हो, चाहे वो फिर हेयरिंग एड देने की बात हो या कुछ हो, ये सारे काम जो है, मैं तो पिछले 5 साल अपनी कंस्टिट्यूंसी में हर 15 दिन पे ऐसा कैंप करता रहा गरीब बस्तियों में, जहाँ हम लोग फ्री चश्मे और हेयरिंग एड देते थे, और हमें पता है कि उससे लोगों को लाभ भी होता था और उससे लोगों को कितना, हम लोगों को भी कितनी आनंद की अनुभूति होती थी, और बहुत बड़ी संख्या में देश में संस्थाएं, जितने कॉरपोरेट सेक्टर, डॉक्टर्स, अस्पताल, और यहाँ देखा हमने कितने बड़े बड़े अस्पताल, ये अश्विनी मेहता जी जो है ये गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर हैं, मुझे पता नहीं मेरे इतने पुराने दोस्त हैं इन्होंने मुझे एक बार भी टेलीफोन नहीं किया कि ये इतना बड़ा कुंभ कर रहे हैं वहाँ पर जो है आप आइए। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम में तो मैं आप सबसे यही अपील करके जाना चाहता हूँ कि अभी हेल्थ के सेक्टर में बहुत कुछ करना है, और मुझे इस बात का विश्वास है कि भारत के पास इसकी योग्यता भी है, क्षमता भी है, उस तरह का DNA भी है, और हेल्थ के अंदर हमारी जो एंशंट विजडम है वो भी ऐसी बहुत पावरफुल है, सब कुछ हमारे पास है, और अभी दुनिया के अंदर भी हमारे भारत का जो है
मोदी जी के नेतृत्व में हर फील्ड में रिकॉग्निशन काफ़ी, दुनिया जो है वो, मैंने तो बहुत साल विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम किया है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के लोग भी भारत की ओर बहुत आशा भरे निगाहों के साथ देखते हैं जो कुछ ये सक्षम ने किया है और ये इसमें नेत्र कुंभ में हुआ है। इसको भी ठीक ढंग से डॉक्यूमेंट करके, और जैसा किसी ने यह कहा कि उसका पेपर वगैरह कहीं पे लिखा जा रहा है, शायद पब्लिक फाउंडेशन या कोई लिख रहे हैं, तो वो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने भी वो पेपर्स जो है और भारत सरकार के सामने भी वो पेपर्स जो है उसको, जो एक्सपेरिमेंट है उसको पब्लिश करना चाहिए ताकि इसके अनुभव को भी और दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी समाज के दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके कैसे हम हेल्थ को और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं, उसका लाभ हो सकता है। तो इस अपील के साथ कि शायद इस डॉक्टरों की और जो समर्पित जो यहाँ पे संस्थाएं हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के मन में कोई ना कोई एक नया आज सपना पैदा होगा कि इसी तरह का कुछ हम भी बड़ा करेंगे, जैसा कि जिस कार्यक्रम में हम आए हैं तो हमें लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री के नाते हमें इसमें बहुत आनंद भी होगा और हम सब मिलकर जो है भारत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी जो हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं उनके मार्गदर्शन में बहुत बड़े काम आने वाले वर्षों में कर सकते हैं, इसी अपेक्षा से और इसी शुभकामना के साथ और इसी विश्वास के साथ कि सब लोग मिलकर हम आने वाले समय में और बड़ा करेंगे, मैं हृदय से आज के इस कार्यक्रम में जो आज यहाँ किया गया है, मुझे बुलाया उसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। और जितने भी लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया, बहुत सारों को शायद सम्मानित नहीं किया गया होगा और ऐसे हज़ारों लाखों हैं जिन्होंने उसको सफल बनाने के लिए अपना योगदान किया, उन सबको जो है उनके प्रयत्न को और उन सबके कॉन्ट्रीब्यूशन को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ।